हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द एल्केमी पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिएजेंट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और उसके फंक्शंस को देखा था। अब हम एक नए रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डीडीक्यू। ठीक है, डीडीक्यू क्या होता है, किस प्रकार ये वर्क करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार से ये एप्लीकेशन शो करता है, ठीक, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होंगी, ठीक है, और इसके सारे फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो डीडीक्यू के साथ में रिएक्शंस देते हैं, इन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे डीडीक्यू का फंक्शन क्या है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डीडीक्यू में ये जो स्ट्रक्चर इंडिकेट की गई है, रिप्रेजेंट की गई है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारी डीडीक्यू की। ठीक है, और डीडीक्यू की स्ट्रक्चर से हमको इसका जो नाम पता लग रहा है वो ये हुआ कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप लगे हुए और फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप पर साइनो ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका जो नाम दिया गया है वो है 2,3-dichloro-5,6 डाइसाइनो क्विनोन। ठीक है, तो इसी से हमको पता लग रहा है कि डीडी की स्ट्रक्चर क्या हो गई। ये देखिए, इससे तो पता लग गया डी डी और क्यू, तो इन तीन वर्ड से बनके इसका नाम डीडी क्यू रखा गया है। समझ में आ रही है, 2,3-dichloro-5,6 डाइसाइनो क्विनोन। ठीक है, अब ध्यान देना, डीडीक्यू जो होता है वो येलो कलर कंपाउंड होता है, बिल्कुल येलो कलर कंपाउंड होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सोल्यूबल होता है। ठीक है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होंगे, जस्ट लाइक बेंजीन, टॉलोइन, क्लोरोबेंजीन एक्सेट्रा, तो इन सभी के साथ में ये सोल्यूबल होता है। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट के रूप में हम बेंजीन को प्रेफर करते हैं। ओके, नाउ हम देखते हैं कि जो डीडीक्यू है उसका मेन फंक्शन हो गया डिहाइड्रोजिनेटिव एजेंट की तरह काम करना। किस तरह, डिहाइड्रोजिनेटिव एजेंट, इसका मतलब ये कंपाउंड के अंदर एच टू को रिमूव करने का काम करता है। फाइनली समझ में आ रही है, डिहाइड्रोजिनेटिव मतलब माइनस एच टू। ओके, अब देखो, डीडीक्यू कॉजेज डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, इसमें हम यह कह सकते हैं नॉट लिखा है, द अदर डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट्स आर सल्फर, सेलेनियम, पीडीसी एंड क्लोरीन। ये कुछ ऐसे हैं जो डीडीक्यू की तरह ही डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, क्लोर जो नील है ना, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर डीडीक्यू के अंदर जो साइनो ग्रुप लगा हुआ था वो हट करके यहां पर क्लोरीन ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारी क्लोरीन की हुई, तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम यदि इन दोनों का कंपैरिजन देखें, डीडीक्यू और क्लोरीन का, तो हम कहते हैं कि डीडीक्यू इज बेटर डिहाइड्रोजिंग एजेंट देन क्लोर। बात समझ में आ रही है कि जो डीडीक्यू होता है वो बेटर डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, किस, क्लोरीन से। ओके, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, डीडीक्यू होता है वो कैन ऑक्सीडाइज द कंपाउंड हैविंग एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब हम कह सकते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन जिसके पास प्रेजेंट होगी वो डीडीक्यू के साथ में रिएक्शन देगा। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या चीज है, इसको हम आगे देखेंगे। अब मैं बात करता हूं डीडीक्यू कैसे वर्क करता है। मैंने एक सिंपल जनरल रिएक्शन लिखी है यहां पर। ठीक है, जनरल रिएक्शन में हमने ये कहा कि एक एलाइलिक कंपाउंड लिया जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हो गया ये, इसकी अल्फा पोजिशन पर एलाइलिक हाइड्रोजन होगी ना, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन की वजह से एक्टिव हाइड्रोजन होगी, ये इजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसकी रिएक्शन जैसे मैंने डीडीक्यू के साथ करवा, डीडीक्यू को मैंने क्या इजीली रिएक्शन को कराने के लिए सिंपली इस तरफ से मॉडिफाई किया। इस तरफ मैं लिख सकता हूं क्यू का मतलब तुम्हारा ये ग्रुप
ठीक है और इधर ऑक्सीजन ये वाला ग्रुप और एक तरफ ऑक्सीजन ये वाला ग्रुप, इस तरह मैंने इसको इजीली इंडिकेट कर दिया। और बाकी क्यों में मैंने इन सभी ग्रुपों को ले लिया है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो इसकी रिएक्शन जब करवाए तो मुझे डिहाइड्रोजनेटिंग प्रोडक्ट मिला और उसके अंदर उस दौरान से मुझे इस तरह से ये रिएक्शन के दौरान DDQ कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस दौरान क्या हुआ, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ग्रो होगी, ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये सिंपल रिएक्शन किस प्रकार से DDQ के साथ में मैकेनिज्म शो करती है। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ड्रो की गई है। ओके, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से ड्रो होगी, ठीक है। यदि हम इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ड्रो होगी, हम इजीली कर सकते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले यहां से H- के रूप में इस एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव किया जिसका अटैक ऑक्सीजन के ऊपर करवाया, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से H- इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, डबल बॉन्ड आगे की तरफ मूव करेगा। डबल बॉन्ड कहां मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आगे की तरफ मूव करता है, नेक्स्ट यहां से आगे मूव करेगा और फाइनली ये यहां से, तो यहां वाली ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही यहां से H- निकला, इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ये कह सकते हैं कि इस दौरान हमको कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट मिलता है। बात समझ में आ रही है, यदि हमको यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन मिल रहा है, तो ध्यान देना कार्बोकैटायन बन रहा है, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हमको रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट से मतलब क्या हो गया, रीअरेंजमेंट से मतलब ये है कि यदि कार्बोकैटायन को फर्दर इसका यदि अपने मॉडिफाई करने पर रीअरेंजमेंट के दौरान स्टेबिलिटी मिल रही है, तो उस स्टेबिलिटी वाली स्पीसीज की तरफ अपन मूव करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि कार्बोकैटायन जहां भी बनता है तो दिमाग में तुरंत रीअरेंजमेंट आना चाहिए कि हाँ हमको यहां रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल देन शुड बी टेक प्लेस। उसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, ये ग्रुप निकला नेगेटिव चार्ज, यहां से क्या करेगा, यहां से H+ लेगा। जैसे H+ लेता है, यहां नेगेटिव डबल सिंगल कार्बन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड मतलब डिहाइड्रेट प्रोजेक्ट अपने को मिल गया, डबल बॉन्ड यहां पर जनरेट हो जाता है और इस वाले नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस DDQ की रिएक्शन करवाई, किस तरह से मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो मैकेनिज्म DDQ की समझ में आ रही, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, H- निकलेगा, सेकंड में क्या होगा, H+ निकलेगा। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये अपने को पता होना चाहिए कि सबसे पहले H- रिमूव होता है, देन H+ रिमूव होता है। समझ में आ रही मेरे। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे हम DDQ को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं ट्रिक का मतलब ये हो गया कि मैं कहूं एक इक्विवेलेंट यदि मैं DDQ लेता हूं, यदि मैं एक इक्विवेलेंट DDQ लेता हूं तो वो क्या करेगा, एक इक्विवेलेंट H2 को रिमूव करेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो देखो एक इक्विवेलेंट DDQ लूंगा, एक इक्विवेलेंट H2 रिमूव होगा और फाइनली एक इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखो यहां क्या हुआ, मैंने एक इक्विवेलेंट ही DDQ लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक इक्विवेलेंट H2, एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है, एक इक्विवेलेंट H2 निकला और एक तुम्हारा क्या बना, पाई बॉन्ड मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस इजीली ट्रिक के द्वारा होती है। इस रिएक्शंस को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसको हम अब इस ट्रिक के द्वारा समझते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार कंप्लीट होती है। देखो मैंने कहा ये स्पीसीज है, रिएक्शन करवाएंगे DDQ के साथ, तो अपने को रिएक्शन किस प्रकार देंगे,
सिंपल डीडी के ऊपर लिखा हुआ होगा, साथ में बेंजीन मैंने कहा था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने को दिया हुआ होगा, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, तो मैंने क्या कहा, एक इक्विवेलेंट लूंगा तो एक डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, दो इक्विवेलेंट लूंगा तो दो डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, तो यहां पर दो डबल बॉन्ड जनरेट होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी की तरफ हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहां पर ये वाली पोजीशन पर लगी हुई हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करे, यहां पर भी ये हाइड्रोजन तुम्हारी क्या थी, एक्टिव हाइड्रोजन थी, बात सुन में आ रही है, ठीक है। तो यहां से जैसे ही एच प्लस एच माइनस के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव होगी, देन एच प्लस के रूप में, तो हमने को यहां डबल बॉन्ड जनरेट होगा, स्टायरीन यहां फॉर्मेट होगा जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट ये कंपाउंड लिया हमने, डीडीक्यू के साथ रिएक्शन करा, तो कितने मोल अपने को डीडीक्यू की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मोल्स, क्यों, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड नेफ्थलीन बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ डीडीक्यू की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से डीडीक्यू में फंक्शन काम में आ रहा है। देखो डीडीक्यू लिया हमने एक इक्विवेलेंट, क्यों, सबसे पहले यहां से एक्टिव है क्योंकि दोनों तरफ से क्या ग्रुप है, यहां पर बेंजीन लगी हुई, फिनाइल ग्रुप हो गया, जैसे यहां से निकाला एच माइनस तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बोकेटन बना, तो ध्यान देना कार्बोकेटन बना, तो अब नेक्स्ट हाइड्रोजन जो एच प्लस के रूप में बाहर निकलेगी वो कहां से निकलेगी, ये वहां से निकलेगी जहां से उसकी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आ रही होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहां से आ रही है क्योंकि जैसे ही हमने यहां एच प्लस निकालूंगा तो ये यहां जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड यहां जाएगा, तो यहां कंपाउंड के अंदर जो कि एंथ्रेसीन बन रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं, क्या रहे है? एरोमेटिक कैरेक्टर, इस वजह से मैंने यहां पर H प्लस यहां से रिमूव किया, बात समझ आ रही है, ओके। तो ये अपने को देखो डीडीक्यू का फंक्शन अपने को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से डीडीक्यू यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज अपने को पता होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड है जो डीडीक्यू देते हैं, किन परिस्थितियों में डीडीक्यू होगा रिएक्शन में, वो हम देखते हैं। देखिए मैंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव ऑक्सीडाइज बाय डीडीक्यू, इसका मतलब मैंने ये 10 एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें से हमको ये पता लगाना है कि कौन तो डीडीक्यू देगा, मतलब डीडीक्यू के साथ में कौन तो रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन तो इसके साथ रिएक्शन देगा और कौन कौन नहीं देगा। क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी और यहां पर भी, इट मींस ये डीडीक्यू के साथ रिएक्शन देगा। सेकेंड एग्जांपल क्या यहां पर है एक्टिव हाइड्रोजन, ये भी देगा, बट इसके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो पा रही है, ना तो एक्टिव हाइड्रोजन वाली ऐसी स्पेसिस ना बन रही, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड के पास एलाइल के बेंजाइक्लिक वाली पोजिशन होनी चाहिए जो कि डीडीक्यू के साथ रिएक्शन में भाग ले सके, ऐसी कोई सिचुएशन इसमें नहीं है, तो ये डीडीक्यू के साथ रिएक्शन नहीं देगा। इसमें देखिए यहां पर है ये देगा, समझ आ रही, ये देखिए बेंजीन, अब बेंजीन में क्या है कि कोई एक्टिव हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर डीडीक्यू रिएक्शन नहीं देगा। सिक्स नंबर एग्जांपल देखिए, सेम वही सिचुएशन, यहां पर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है जो एक्टिव हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रही हो, इट मींस यहां पर भी डीडीक्यू रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल सेवन नंबर जब देखते हैं हम, तो हमको दिख रहा है कि यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन दो दो प्रेजेंट है, तो यहां पर डीडीक्यू के साथ में ये रिएक्शन देगा। नेक्स्ट में यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, तो ये भी डीडीक्यू के साथ रिएक्शन देगा। इससे नेक्स्ट में देखो आप कि यहां पर इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एलाइलिक पोजीशन बन रही है, इसके बाद बेंजाइलिक फुल्ली रेजोनेंट है, एलाइलिक बेंजाइलिक वाली कंडीशन है, तो यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा डीडीक्यू के साथ में रिएक्शन होगी। फाइनली देखिए टेंथ नंबर एग्जांपल, इसके पास यहां भी हाइड्रोजन, इसके पास यहां भी हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन की वजह से यहां पर डीडीक्यू के साथ में रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो फाइनली ये समझ में आ रहा है कि डीडीक्यू के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो किस कंडीशन में डीडीक्यू रिएक्शन देगा,
किस कंडीशन में नहीं देगा, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ग्रो होगी, ये सब चीज आपको अब पता लग गई। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ DDQ किस किस कंपाउंड के साथ, किस किस कंडीशंस में कौन कौन सी रिएक्शंस जो है जो DDQ देता है, जिसमें हम बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, साइक्लाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, इंसर्शन ऑफ एल्कोहल्स या इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस टाइप्स की रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे जो DDQ की एप्लीकेशन के रूप में टॉपिक लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम DDQ को रखते हैं आज इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमको ये फाइनली पता लग गया कि DDQ का एक्चुअली में फंक्शन क्या है, उसकी बेसिक्स प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए कि DDQ एक्चुअल में क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। इसलिए मैंने कहा कि DDQ को हम बेटर समझते हैं क्योंकि ये इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से इसमें नंबरिंग की हुई अपने को पता होना चाहिए, IUPAC आपको सबको पता होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिस DDQ का रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ DDQ के बारे में डिस्कस करेंगे और अपन इस DDQ को नेक्स्ट वीडियो में बाइंड अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।